इनेलो बीएसपी के बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। देखिए काफिला है बहुजन समाज पार्टी इनेलो का, और देखिए किस तरीके से हजारों लोग आ रहे हैं और इन लोगों के पास बहुजन समाज पार्टी का झंडा है और साथ ही साथ जो इनेलो का झंडा है। हम लोग अभी कहां पर मौजूद हैं और आप लोग कहां पर जा रहे हैं? हम उचाणा पे मौजूद हैं और हम रैली में मायावती की कितनी दूर पर रैली होगी? बस पास में ही है। कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। 200 मीटर। 200 मीटर। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। नहीं, हमें इनेलो और बीएसपी टीम जीतेगी। और कितना भरोसा है आप लोगों को? कितना भरोसा भाई साहब आपको? बिल्कुल भरोसा है। जिस तरीके से इनेलो बीएसपी का जो गठबंधन का जो प्रत्याशी जो भी उतारे गए हैं दोनों दलों ने मिलके, बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हमारी जो टीम है वो उसमें बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस जो कह रही है ना कि हमारी सरकार आ रही है, नहीं नहीं हमारी सरकार आ रही है। इनेलो बीएसपी का गठबंधन सरकार के अंदर आ रहा है। सरकार की जो हिस्सेदारी सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारी है। अब हमारे बिना कोई भी सरकार, जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश का जो चुनावी वातावरण बना हुआ है, इनेलो बीएसपी के बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। हम पूर्ण जो जिस तरीके का ये कांटे का जो मुकाबला चला है, सबसे ज्यादा सीटें इनेलो बीएसपी जीतने लग रही है। अच्छा, हमने ये देखा आपके गले में, देखता हूँ मैं दो पट्टे हैं, एक नेशनल लोकदल और एक बहुजन समाज पार्टी। ये ऐसा आपने दोनों पट्टे बांध रखे हैं, इसका क्या मतलब? आप ये किसान, कमेरे, मजदूर, गरीब, दुकानदार, हर प्रकार के वर्गों के ये दोनों दल हैं। इसमें 36 बिरादरी सभी धर्मों का हर प्रकार का समावेश है इसके अंदर। तो कह रहे हैं सब लोग हमारे साथ हैं। हुड्डा क्या कर रहा है? कह रहे हैं सब लोग हमारे साथ हैं। नहीं, सभी बिरादरी अपना अपना हुड्डा खड़ा था। हुड्डा कुछ नहीं आ रहा है। बीएसपी खड़ी है। तो इनेलो बसपा गठबंधन पूरा हरियाणा में तिकोना मुकाबला, बीजेपी कांग्रेस इनेलो बसपा गठबंधन। हमें आज आपकी शेडी 17-18 सीटें हमारी क्लियर दिखा रही है, लेकिन अभी 10 दिन और चुनाव में है। आज माननीय बहन जी है, 4 रैलियां और है माननीय बहन जी की, एक तरफा चुनाव भाई साहब। हाँ जी, लोग कह रहे थे कि बसपा खत्म हो गई। लोग तो कभी कुछ कहेंगे, लोग तो लोगों का तो कहना है खत्म नहीं, बस मतलब ही नहीं, कैडर वोट बेस। यहाँ इनेलो चौधरी देवीलाल की विचारधारा, मनोहर कांशीराम साहब की विचारधारा। आज भी जींद हमारा जींदा जिला है। जींद में 5 सीटें पहले चौधरी देवीलाल की विचारधारा की, आज भी 3 सीटें चौधरी देव विचारधारा की है, चौधरी देवलाल की विचार। और जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले नंबर पर, वहाँ जींद में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर। आज चौधरी मान्यवर चौधरी देवीलाल जी का आज जो उनका सम्मान दिवस है, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे देख रहे? पूरा हरियाणा आज मना रहा है। अच्छा, पूरा हरियाणा चौधरी देव। सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मावती इस रैली की चीफ गेस्ट है, एक तरफा, पूरा एक तरफा। नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं? जालिया, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। जालिया भाई सेंटर में गया, सेंटर में अल्पमत में, सेंटर में नरेंद्र मोदी खत्म है। कैसे? हम पाजा दड़ा मारेंगे, उन्हें दबा के मारेंगे, बजा बजा के मारेंगे, बजा बजा के, बजा बजा के मारेंगे। सरकारी कर्मचारी निकल पड़ेगा। तमाम महिलाएं घूंघट ला के आई हैं, घरों से बाहर क्यों निकलना पड़ा? घूंघट ओढ़ना तो घरों में रहती नहीं, सरकार बनाने के लिए। और जो औरतों पे जाती हो रही है ना, उनको मिटाने के लिए वाह हम सड़कों पर निकली हैं। बीजेपी 2 बार सरकार रही 10 साल तक, इन्होंने कहा कि बेटियों का सम्मान हो रहा है। कहाँ पे सम्मान हो रहा है? अब कोलकाता में कितना वो हुआ था, क्या क्या किया, क्या किया है? अब हम करेंगे, करके दिखाएंगे। बहन जी एक प्रश्न है कि भारत की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं, वो हरियाणा से हैं, चाहे पहलवान है। पहलवान महिलाओं को दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी की सरकार ने घसीटा, उनको इज्जत सम्मान नहीं दिया, तो हरियाणा क्या देश भर की महिलाओं को बहुत बुरा लगा। आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि ये बीजेपी वाले क्या करते हैं? ये तो कहते हैं सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस कहने के लिए कहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ हम करके दिखाएंगे, बाद में बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी के हम करके दिखाएंगे, विनेश को टिकट दे दिया, विनेश को टिकट दे दिया कांग्रेस ने। कोई बात नहीं, क्या बात है, क्या बात है, दे दिया तो दे दिया, हार जाएगी है? नहीं नहीं, वहाँ से सुरेंद्र लाठरी इनेलो बसपा का चुनाव जीत रहा है, हार रही है क्या? हार रही है, वो तो बारी कैंडिडेट है।
सुरेंद्र लाठर के 12 गांव हैं, एक तरफा चुनाव है। मतलब आप कह रहे हैं कि विनेश फोगाट अपनी दमदार प्रत्याशी नहीं आ रही है वो बारी की दीदी बारी आ रही है वहाँ से, उसमें राजनीति में नहीं आना। सुरेंद्र लाठर जीत रहे हैं वहाँ पे, 16 गांव है लाठरों के, 16 गांव एक तरफा मोल है वहाँ पर। अच्छा जीतेंगे कम से कम 10-12 हज़ार वोटों से कम। अच्छा है ना, यहाँ पे कुमारी शैलजा को चमारन कह दिया है, तो वो आपको कैसा लगा यहाँ? ये देखो ये बड़े चमारों को कैसा लगा, बड़े दुख की बात है ये, जो बोला उन्होंने गलत बोला है, ये हमारे दिल पे लगी है और इसका बदला हम लेके दिखाएंगे। तो कैसे वो बदला, वो तो शैलजा जी कह रहे हम तो कांग्रेस की वो है, नहीं कैसे बदला लेंगे? जो कांग्रेस के वर्कर थे वो भी इसे, जो अपने ऐसी भाई थे वो भी इसे नाराज है, इन्होंने जो बोला गलत बोला है और ये हम इसका बदला लेके दिखाएंगे। अच्छा बदला लेके दिखाएंगे कैसे? आप सरकार लेके आएंगे, इन्हें लोकसभा सरकार लेके आएंगे, वोट वोट से वोट से बदला लेके आएंगे हम, वोट से छोड़ देंगे। ओके जय भीम जय भीम जय भीम। देखिए काफिला है बहुजन समाज पार्टी इनेलो का, और देखिए किस तरीके से हजारों लोग आ रहे हैं और इन लोगों के पास बहुजन समाज पार्टी का झंडा है और साथ ही साथ जो इनेलो का झंडा है वो भी साथ में है। और कहाँ जा रहे हैं? जय भीम जय भीम के नारे लगा रहे हैं, लोगों में जोश और उत्साह कितना है आप ये लोग समझ सकते हैं। और यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर मायावती की रैली होने जा रही है, थोड़ी देर में आएंगे और रैली को संबोधित। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।